ओके सो वंस अगेन हम लोग वापस आ चुके हैं पोकेमोन सोल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर पिछली बार हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर ऑप्टेन किया था हमारे इस गला रीजन का फर्स्ट जिम बैच। जी हाँ गाइस यार, ऑफिशियली हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट जिम बैच ऑप्टेन कर लिया है। माइलो शायद उसका नाम था जिम लीडर का, एंड उसको हम लोगों ने हरा दिया। एंड इट वाज अ प्रीटी इजी बैटल। यस, इजी बैटल इसे बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कह सकते हो कि रैबुट ने फर्स्ट यहाँ पर नॉकआउट पंच देकर ही उसको हरा दिया था। सो इफ आई शो यू माई जिम बैजेस कार्ड, आप लोग देख ही सकते हो, टोटल मेरे पास अभी एक ही जिम बैजेस है, मोर 7 टू गो, मतलब कि और 7 जिम बैजेस कलेक्ट करने बाकी है। सो वी विल ट्राई टू कलेक्ट एज सुन एज पॉसिबल इन दिस मंथ। यस, यही महीने में मुझे जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर सातों के सातों जिम बैच अभी भी जो है वो यहाँ पर ऑप्टेन करने हैं। सो वी आर करंटली एट द रूट 5, एंड जिम बैजेस तो जो है यहाँ पर साइड कैरेक्टर्स हो गए। मेन थिंग जो है मुझे यहाँ पर कह सकते हो कि अपनी टीम जो है वो यहाँ पर फॉर्म करनी है, एंड कह सकते हो कि आगे चलकर जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा कि यहाँ पर मैं क्या क्या पोकेमोन जो है वो चुनने वाला हूँ। मैंने अपनी कह सकते हो कि एक ड्राफ्ट बना लिया है वैसे, कि हम लोगों को कौन से पोकेमोन्स के साथ आगे बढ़ना है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, क्योंकि जैसे जैसे कह सकते हो कि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो डिमांड करेंगी वही मैं उस सिचुएशन के साथ जो हूँ यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। देखते हैं यार कैसे सीन होता है। अभी मैं फिलहाल के लिए मैं कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं देना चाहता कि कौन से पोकेमोन्स के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, बट हाँ मैंने एक छोटा सा फाइनल ड्राफ्ट बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी, मुझे कौन से पोकेमोन्स को ऐड करना है। लेट्स सी यार, जैसे जैसे कह सकते हो कि आगे प्रोसीड करेंगे, शायद ये वीक में आप लोगों को 2 या 3 पोकेमोन यहाँ पर मैं 2 पोकेमोन मैक्स टू मैक्स जो है वो मैं अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। ओके सो मैं 2 या 3 पोकेमोन बोल रहा था, एंड उसमें से एक पोकेमोन ऑलरेडी यहाँ पर शामिल हो चुका है, जो कि है दी टॉक्सल, एक इलेक्ट्रिक एंड पॉइजन टाइप पोकेमोन है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दी कि मुझे यहाँ पर ये मिलने वाला था, तो बिकॉज दिस इज द ब्लाइंड गेम प्ले फॉर मी एज यू नो इट, क्योंकि ये मैं पहली बार गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे जो है वो ज्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि आइडिया नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो उस वजह से ओके सो वी हैव ऑब्टेन द एक्सपीरियंस कैंडी XS, आई डोंट नो व्हाट इज इज अबाउट, तो मैं अगर एक बार कह सकते हो कि अबाउट का सेक्शन में एक बार चेक कर लो कि ये क्या काम करते हैं, सो मुझे जो है इनके बारे में पता चल जाएगा। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल थर्ड पोकेमॉन। यस, टोटल मेरे पास 4 पोकेमॉन है, बट दिस इज द आर ऑफिशियल थर्ड पोकेमॉन, टॉक्सल लेवल 1 का ही है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये भी जो है वो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर ग्रो करेगा जरूर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कौन सा पिकाचू को दे दूँ क्या यहाँ पर इनको? ओके, तो ये जो है यहाँ पर पोकेमोन के एक्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि डिटो एक्स तो आपको पता ही है, अगर आप डिटो और कोई और पोकेमोन को रख लोगे तो एक नया पोकेमोन जो है यहाँ पर कह सकते हो कि एक जो पोकेमोन आपने रखा है ना डिटो के साथ, वो जो है यहाँ पर कह सकते हो कि ऐड हो जाता है एज अ एक फॉर्म। तो ये मैंने बहुत बार किया हुआ है वैसे, जब मैं कह सकते हो कि ना मैं वीडियोस जब शूट नहीं कर रहा था ना, तब मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है कि जब हम लोग में वो सब जो है वो यहाँ पर ट्राई करता था, बट अभी फिलहाल मैं वो सब ट्राई नहीं करता क्योंकि जो है वो आपके सामने ही है। अभी जो भी होगा वो आपके सामने ही होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि मैं कोई बैकग्राउंड में बस मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि अपने पोकेमोन्स की ग्राइंडिंग करता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन कर लेता हूँ, बट अदर देन दैट हम लोग ज्यादा कुछ जो है यहाँ पर करते नहीं है। यहाँ पर टीम येल के ग्रंट ने जो है यहाँ पर मुझे चैलेंज किया हुआ है, तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इसको हरा देते हैं। एंड वॉट वी सॉ, जी हाँ गाइस यार, यहाँ पर अभी फाइनली हम लोगों का ये गेम में सेकेंड पोकेमोन जो है वो यहाँ पर इवॉल्व होने जा रहा है, जो कि है क्विटल से इवॉल्व होके बन चुका है ड्रेडनॉ। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अब ये एक प्रॉपर वाटर प्लस रॉक टाइप, आपको पता ही है मैं डुअल टाइप पोकेमोन से कितना ज्यादा ऑब्सेशन रखता हूं मैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर डुअल टाइप पोकेमॉन्स ही पसंद आते हैं जिनके पास डुअल टाइप अबिलिटी हो। तो यप, तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर अभी हम लोगों ने, यस मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कल के एपिसोड में भी मैंने काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे 2 ही हिट में जो है यहाँ पर मैंने ऑप्टेन कर लिया था जिम बैच। एंड आज के एपिसोड में जो है यहाँ पर हमारा क्विटल जो है यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है इनटू द ड्रेडनॉट, सो द थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। मैं जो हूँ यहाँ पर अभी श्योर हूँ कि हम लोग एक अच्छी टीम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोगों को एक पोकेमोन भी हम लोगों ने ऑप्टेन कर लिया, जो कि था यहाँ पर क्या था यार नाम, टॉक्सल, एक इलेक्ट्रिक प्लस पॉइजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन की सख्त जरूरत होती है हमारी टीम में।
जैसे कि आप लोगों को बताइए, क्योंकि कल के एपिसोड में शायद से मैं पिकाचू को भी जो हूँ यहाँ पर भेज दूंगा। यस, पिकाचू को यहाँ पर मैं पीसी में डाल दूंगा। फिर आप लोगों को सिर्फ तीन ही पोकेमोन, क्योंकि लेआउट में भी आप लोगों को अभी करंटली तीन ही पोकेमोन नजर आते होंगे। जब पिकाचू था क्यूटल के आने के पहले सिर्फ दो ही पोकेमोन नजर आ रहे थे। इसका रीजन सिंपल है, मैं जो पोकेमोन्स को ऐड करता हूँ अपने टीम में वही मैं यहाँ पर लेआउट में शो करता हूँ। जो अदर देन दैट पोकेमोन्स को कैच कर रहे हैं वो बस एक एज अ हेल्पर टीम में यहाँ पर रखता हूँ एज अ बैकअप ऑप्शन। अदरवाइज वो जो है यहाँ पर कह सकते हो कि आगे की तरफ नहीं जाते। तो फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर मैंने इसकी जान बचाई थी, उस वजह से उसने जो है मुझे यहाँ पर एक रोटोम बाइक दे दी है। सो मुझे एक बार चेक करने दो कि यहाँ पर मैंने उसको रजिस्टर तो कर लिया है। यस, सेविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप कोई भी गेम खेल रहे हो ना कि सिर्फ पोकेमोन्स के अलावा। तो मैं जो हूँ ना यहाँ पर की के बारे में जो हूँ यहाँ पर एक बार जान लेता हूँ कि कैसे वर्क कर रहे हैं, एंड आई विल बी बैक सून। ओके गाइज, यार यहाँ पर अभी मैंने जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है। मैंने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट का जो रजिस्टर का ऑप्शन जो था ना वो मैंने चेंज कर लिया। अभी मेरी जो की है वो एन एंड एम दोनों बोथ, अगर मैं एक बार भी मतलब कि एक ही दोनों में से कोई भी दबा लूंगा तो जो है यहाँ पर आ जाएगी। आपको भी अगर चेंजेस करने हो वो आप लोगों को दिखे नहीं क्योंकि स्क्रीन चालू थी, मैंने ऑप्शन का बटन दबाया था बट वो आया नहीं, क्योंकि जो मतलब कि मैं विंडोज का जो रिकॉर्डर है उससे यूज कर रहा हूँ ना, सिर्फ गेम ही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अदर देन दैट मैं कोई भी अभी भी क्रोम भी ओपन करूंगा ना तो नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये गेम ओपन किया था तो बस अभी एक गेम की ही रिकॉर्डिंग करेगा। ये एक अच्छी बात है, अगर गेम बंद हो गया ना तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यस, मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सब क्योंकि विंडोज में इनबिल्ट है। अच्छा हुआ विंडोज में इनबिल्ट यहाँ पर था, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों ने मेरी पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू की सीरीज अगर फॉलो की होगी ना, उसमें जब हम लोगों ने पीसी पे स्विच किया था तो तब मैंने बैंडिकैम यूज किया था एंड वो जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। बट इसमें कैसा है, अनलिमिटेड है, जितना स्टोरेज है उतना हो जाता है। अभी स्टोरेज कम भी करना है जैसे जैसे मतलब कि मैं अभी वीडियो जैसे जैसे शूट करते जाऊंगा तो स्टोरेज भी, क्योंकि ये भी गेम ऑलमोस्ट 8 GB का है। तो यस, 8 या 7 GB का गेम है ये, तो ये ज्यादा मैं रख नहीं सकता क्योंकि बाद में अगर पता चल गया मैं ज्यादा इतने गेम्स रखने लगा हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मैंने अभी जो हमारा न्यूज चैनल है ना उसका भी एक मैंने गेम डाउनलोड करके रखा है, वो ऑलमोस्ट 5 to 6 GB का, इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। बट जो रिकॉर्डिंग जो फाइल जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 1.5 GB की हो जाती है, तो वो मैं ज्यादा रख नहीं सकता था। तो उस वजह से जो है मुझे जल्द से जल्द चीजों को यहाँ पर टेक केयर करना है। देखते यार हो जाएंगी, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वीडियोस अकॉर्डिंग टू द लेवल यहाँ पर अच्छी तरीके से प्लान होती चली जाए तो फिर यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ बट देखते हैं यार कितना ज्यादा यहाँ पर मैं रह पाता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है अभी पूरा कह सकते हो कि पैक है शेड्यूल, ज्यादा मुझे समय मिलता नहीं है शूट करने के लिए एंड रेगुलर बेसिस पर दो दो वीडियोस लाना एंड साथ ही साथ अभी मैं न्यूज चैनल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो उस वजह से जो है क्योंकि न्यूज चैनल में अभी मैं ना यहाँ पर सोच रहा हूँ क्योंकि ध्रुव प्लेस करके नाम दे दूँ, बट वो ना यहाँ पर आने का थोड़ा सा मुझे चांसेस है ना यूट्यूब के सर्च हिस्ट्री में, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट देखते हैं यार, ध्रुव प्लेस ये मेरा एक कह सकते हो कि न्यूज चैनल का मैं नाम, या आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ध्रुव चैनल ध्रुव प्लेस का कैसे यहाँ पर नाम मुझे रखना चाहिए क्या? डेयर गेमिंग करके मेरा चैनल है ऑलरेडी बट वो मैं डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से ही, उस पर यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत टाइम पहले बना था एंड उस पर बस एक बुली के एपिसोड्स आए थे, उसके बाद मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि ज्यादा एंगेजमेंट नहीं हुई एंड मुझे जो है यहाँ पर ये चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस करना था, दैट इज द रीजन। यहाँ पर अभी कह सकते हो कि हमारा राइवल यहाँ पर हॉप मिल चुका है, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, हम दोनों जिम चैलेंजर्स हैं जो भी यहाँ पर जिम बैच को अर्न कर चुका है एंड ये परफेक्ट टाइमिंग है। ओके, सो यहाँ पर आफ्टर अर्निंग द फर्स्ट जिम बैच यहाँ पर कह सकते हो कि बैटल करना चाहता है हम लोगों से। तो या मैं यहाँ पर कहाँ पे था, बैटल तो चल ही रहा है हम लोगों का, बट मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कह रहा था कि यहाँ पर कह सकते हो कि डेयर गेमिंग यहाँ पर बंद हो चुका है पूरी तरीके से। मैं उसको रिमूव तो नहीं करूंगा बट उस पर अभी कोई भी वीडियोज नहीं आएंगी। मैंने ये ध्रुव द गेमर चैनल से भी जो है यहाँ पर डेयर गेमिंग अपना चैनल हटा दिया है, ध्रुव प्लेस करके मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर जल्द ही, मतलब कि जैसे ही वो वीडियो का मतलब कि शूट हो जाएगा ना वैसे ही मैं यहाँ पर लाऊंगा एंड वो कह सकते हो कि डेली वो भी आने वाला है वीडियोज। तो टोटल तीन वीडियोज, तीन सीरीज कंटिन्यू रखना एंड ज्यादा वो भी एक लिमिटेड टाइम में, दैट्स द काइंड ऑफ कह सकते हो कि बिग कह सकते हो कि इश्यू होगा मेरे लिए। बट मैं देखूंगा यार, जैसे जैसे यहाँ पर चीजें चलेंगी हम लोग करते रहेंगे क्योंकि करना तो है। अभी न्यूज चैनल का मैंने यहाँ पर कह सकते हो कि आइडिया लेकर आ चुका हूँ, आएगा तो आएगा यहाँ पर, मैं अभी श्योर हूँ उस चीज पर। पहला गेम भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग खेलने वाले हैं GTA 3 डेफिनेटिव एडिशन। यस, डेफिनेटिव एडिशन रिसेंटली आया था 2022 में, मैंने अभी चालू किया है खेलना, तो वही यहाँ पर आने वाला है डेफिनेटिव एडिशन।
मजा आएगा उस गेम में। उसके लिए मैंने यहाँ पर कह सकती हूँ कि मैं लैपटॉप में खेल रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड प्लस माउस मंगा लिया, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब से मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि पोकेमॉन्स के भी गेम्स खेलूंगा ना, तो एक्सटर्नल लैपटॉप के एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस का यूज करूंगा, क्योंकि ज्यादा मतलब की कीबोर्ड्स का मतलब वो ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। एक्सटर्नल कीबोर्ड क्या खराब हो गया तो हम लोग दूसरा ला सकते हैं, बट अगर इनबिल्ट लैपटॉप का कीबोर्ड अगर खराब हो गया ना तो फिर खर्चा बढ़ेगा, एंड वो एक गेमिंग लैपटॉप है, तो मैं ज्यादा जो हूँ यहाँ पर उस पर कह सकती हूँ कि रिलाय नहीं कर सकता, क्योंकि घर वालों का है, मेरा खुद का नहीं है। जब खुद का लूंगा तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट घर वालों का है तो थोड़ी सी कह सकती हूँ कि डर लगता है उस वजह से जो है यहाँ पर। हाँ, नॉर्मल बेसिस में उसमें काम करता जरूर हूँ, बट उसमें अभी तक मैंने एडिटिंग भी चालू नहीं किया, क्योंकि एडिटिंग मुझे डर लग रहा है। हाँ, उसमें एडिटिंग अगर करूंगा ना तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर मेरी वीडियोज एक क्विकली हो जाएगी, एंड अच्छी खासी मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ उसमें, बट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खुद का यहाँ पर लेने के लिए सोच रहा हूँ। ये साल नहीं, अगले साल सोच रहा हूँ, क्योंकि ये साल में ऑलरेडी एक मेरी चीज मैंने दो चीजें प्लान्ड की हुई हैं, वो तो एक यहाँ पर आप लोगों को शायद नहीं पता चलेगी, वो तो एक मेरी पर्सनल है, दोनों भी पर्सनल ही है, बट एज ए यूट्यूबर कह सकते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर से जो हूँ यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि एक फिर से खुद का एक गेमिंग लैपटॉप या एक पीसी ही बिल्ड कर दूँ। बट वो सब जो है ना ये साल पर डिपेंड करता है कि ये साल मेरा कैसे होता है। अभी भी काफी सारे महीने बाकी हैं, 5 मंथ्स ऑलमोस्ट बचे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस 5 महीने बचे हैं। मेरा टारगेट है कि अब कह सकते हो कि 3 या 4 सीरीज तो मैं यहाँ पर खेल पाऊँ, एंड साथ ही साथ जो न्यू चैनल खेलेंगे उस पर भी हम लोग कम से कम 3 तो सीरीज में यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ खेलने के लिए। देखते हैं यार कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो बातों बातों के चक्कर में हम लोगों ने हॉप को जो है यहाँ पर हरा दिया है, एंड आप लोग मेरी आज की वॉइस जो है यहाँ पर थोड़ी सी देख सकते हो अच्छी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट कल रात को मैंने कफ सिरप लिया, दवाई ली, उसके बाद सुबह उठकर मैंने गर्म पानी और उसमें नमक डाल के उसमें जैसे कि गागल भी किया था, उस वजह से जो है मुझे खांसी है अभी भी फील हो रही है, बट इतनी फील नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है। एंड जैसे जैसे हम लोग कह सकते आज का एपिसोड ज्यादा इतना बड़ा नहीं था, एंड काफी ज्यादा चीजें हम लोगों ने की नहीं। ओके, यहाँ पर शायद मेरा पीसी गेम जो है वो यहाँ पर लैग हो चुका है, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, तो गाइज यार यहाँ पर अभी मैं कहना चाहता था कि अगर आप वो लड़की के साथ बैटल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका गेम जो है वो लैग हो जाए, क्योंकि मैंने ये चीज ट्राई की। मैं अभी वापस से जाने वाला हूँ वहां पर चेक करने के लिए कि फिर से ये गेम लैग हो रहा है या नहीं, आई डोंट नो रियली, बट मैं वो जो बैटल जो है ना वो मैं स्किप करने के लिए देखूंगा। यस, फिंगर्स आर क्रॉस, अच्छा हुआ मेरा गेम सेव था, उस वजह से जो है ज्यादा परेशानियां नहीं आई। ओके, सो अभी हम लोग आगे आ चुके हैं, ऐसा ही होता है यार, इस वजह से मैंने कहा ना सेविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल वी वर प्लेइंग द गेम। सो आई होप आई गेस कि हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो है वो आ चुके हैं। यप, सो वी आर हियर इन द हल्ब्री, एंड यहाँ पर भी एक जिम बैच होने वाला, यहाँ पर जिम चैलेंज होने वाला है हमारा, हल्ब्री में भी एक वाटर टाइप जिम चैलेंज होगा, तो टॉक्सल की यहाँ पर ज्यादा मदद हो सकती है आज के, मतलब कि कल ही हम लोग चैलेंज करने के लिए चले जाएंगे यहाँ पर जिम लीडर को, बट लेट्स सी, फिंगर्स आर रियली क्रॉस्ड। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं मैप को स्विच करूँ, यहाँ पर अपनी टीम जो है यहाँ पर टॉक्सल तो 15 का हो चुका है बैटल करते करते, कल के एपिसोड में शायद वो लेवल 25 तक मैं कर दूँ उसको, क्योंकि थोड़ी सी ग्राइंडिंग अभी करनी पड़ेगी जिम बैजेस, जिम आप देख सकते हो। ओके, हमारी सिंसियर अपॉर्चुनिस्ट अपोलॉजी है, बट चेयर में जो काफी ज्यादा बिजी है, एवरीवन प्लीज डिस्पर्स, प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। ओके, सी यू लेटर चेयरमैन। चेयरमैन की फॉलोइंग काफी ज्यादा है। Oh, no need to the shop. मैं still autograph दे सकता हूँ। I will even give my Pokemon League card. Okay, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि you know what I mean. हमें जो है यहाँ पर support चाहिए fans का, ये अगर आगे बढ़ना है तो chasing them up like that, aren't you think कि उनको थोड़ा सा harsh होगा ओली या ना? Fans जो है important है, of course. That's why हमें अपना काम करते रहना चाहिए. Okay. For their sake. I promise you. आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी पावर आपको असिस्ट करेगी चेयरमैन। ओ, तुम बीट सर। ओ, दैट्स राइट, बीट। मैंने जो है यहाँ पर डांस डे किया था क्योंकि तुमने मुझे इम्प्रेस किया था कि तुम जो है यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स की कितनी केयर कर रहे हो इतने सालों से। क्या तुम एक और जिम चैलेंज जीत सकते हो मेरे लिए? और पर्हैप्स इट विल बी वन ऑफ द ट्रेनर्स एंडोर्स्ड बाय द चैंपियन। ओ, मैं अपनी प्रूफ करूंगा फेथ में जो आपने मुझ पर भरोसा किया है चेयरमैन, मैं एक भी नहीं हारूंगा मैच। एनीवे, मैं अपने रास्ते में जा रहा हूं। ओके,
तो ये लोग जो है यहाँ पर जा चुके हैं, यहाँ पर अभी हम लोग भी आगे चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर चेयरमैन ध्रुव ने हमें देख लिया। ओ, तुम्हारा नाम ध्रुव है ना, राइट? एडमिट कि तुम्हें जो है यहाँ पर लियोन ने क्यों इंडस किया गया। ओ आई हैव जस्ट अ गुड आइडिया एंड टू डू, तुम जो है यहाँ पर जिम लीडर नेसा को चैलेंज करने जा रहे हो ना। सुन, इफ यू गेट द जिम बैच फ्रॉम हर, मैं जो एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, सो मुझे तुम्हें और जानना है। तो तुम जो है यहाँ पर मुझे बाद में जब तुम्हारा जिम चैलेंज हो जाए तब मिल सकते हो। चेयरमैन, हमें शायद ही जाना चाहिए। ओ माफ करना, प्लीज डू योर बेस्ट फॉर द गैलर्स फ्यूचर। ओके, आई विल डू माई बेस्ट। तो आई डोंट नो कि ये क्या काम चाहते हैं हमसे, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। ओके पिंड जिम बैच, और हम हमारा दिमाग हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके सो गाइजर, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कह सकते हैं किसी होटल में बुला रहे हैं, तो देखा जाए गाइज यार। ओके फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर देता हूँ मैं, एंड आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो लाइक का बटन दबा देना। अगर आप चैनल भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन। थोड़ी सी सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे जरूर, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एपिसोड। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोच में पड़ गया हूँ ना कि चैंपियन ग्रुप्स क्या चाहते हैं, उस वजह से। तब तक के लिए गुड बाय।